हम आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक ले गए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसके अंदर हम फ्लावर पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, और फ्लावर के अंदर सबसे पहले शुरुआत करेंगे एंड्रोशियम से। और जैसे कि आप एंड्रोशियम के बारे में जानते हैं, एंड्रोशियम की सिर्फ एंड्रोशियम की यूनिट होती है, इसको स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल। और नॉर्मली जो एक स्टेमन होता है उसके ऊपर जो एंथर होते हैं, नॉर्मली एंथर क्या होते हैं, डाइथिकस। और जैसा आप सभी को पता है डाइथिकस एंथर क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, कैप्सेला। बट कुछ एंथर जो होते हैं दे आर ऑल्सो मोनोस्पोरेंजिएट, मीन्स कि दे आर बेसिकली मोनोथिकस, सॉरी सम ऑफ देम आर मोनोथिकस, एंड मोनोथिकस एंथर जनरली आर बाइस्पोरेंजिएट। फॉर एग्जाम्पल मालवेसी फैमिली, मोरिंगा एंड वॉल्फिया आर ऑल्सो द अदर एग्जाम्पल ऑफ इट। बट इन द थर्ड केस सम एंथर्स लाइक इन आर्सी यूथोबियम इज ए पैरासिटिक एंजियोस्पर्म in which anther is monothecous but it has only one pollen sac inside the single anther lobe. Generally it should be two pollen sac but uske andar aapko milega ek hi pollen sac. To isiliye monosporangy, isiliye isko hum is anther ko rc euthobium ke andar is anther ko kya bolenge, monothecous monosporangiate anther. To anther teen tarah ke ho sakte hain, theek hai। तो अब हमने इसके अंदर पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। सबसे पहले होती कैसे, एनसीईआरटी में अगर आप देखें सीधे मैच्योर एंथर का डायग्राम दे रखा है आपको, बट वो मैच्योर एंथर कैसे डेवलप होता है। तो आप देख सकते हैं कि दो प्रोसेस हम पढ़ते हैं यहाँ पे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ही वो प्रोसेस है जिसके अंदर एंथर की डेवलपमेंट मेनली होती है, क्योंकि इसी के दौरान आप देखोगे एंथर की वॉल बनती है। और इसके दौरान होता क्या है, इसके दौरान माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है एंथर की डेवलपमेंट के साथ। और माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है, मियोसिस करती है, और मियोसिस करने के बाद फोर हैप्लोइड माइक्रोस्पोर बनाती है। माइक्रोस्पोर इज आल्सो नोन एज पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर आप देखें शुरुआत कहां से होती है, अगर आप यहां देखें व्हेन एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है इट हैज टू टाइप ऑफ सेल्स, वन इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इज द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड meristematic cells. This is the diagram of young anther, and after some time some cells of the hypodermis differentiate at four corners, 1, 2, 3, 4, at four corners they differentiate to produce large cell which is called as archisporal cells. These archisporal cells are formed from hypodermis. These archisporal cells kisse banti hai, आपकी हाइपोडर्मिस सेल से बनती है, चार कॉर्नर पे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। तो और आप देख चुके हैं कि इस एंथर के सेंटर में वैस्कुलर बंडल बन चुका है, क्योंकि जो भी यहाँ पे सेल डिवीजन होगी उनको एनर्जी, उसके लिए एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए। तो वो फूड और जो वाटर है वो कैसे अवेलेबल होगा, वैस्कुलर बंडल से। तो वैस्कुलर बंडल ये पॉइंट उस पॉइंट को भी दर्शाता है जहां पे एंथर के साथ फिलामेंट जाके जुड़ता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये आर्किस्पोरल सेल अब जो है यहाँ पर डिवीजन करेगी। आर्किस्पोरल जब डिवीजन करेगी पेरिक्लाइनली, तो हम देखते हैं कि दो तरह की सेल वो बनाती है, आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल एंड देन अंदर की तरफ वो क्या बनाएगी, इनर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे चारों कॉर्नर में ऐसा ही हो रहा है। अब आगे चल के क्या होगा, आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल जो होगी ये डिवीजन करेगी पेरिक्लाइनली और एंटीक्लाइनली दोनों तरह से। और ये डिवीजन करने के बाद आप देख सकते हैं ये एपिडर्मिस पहले से है। अब ये डिवीजन करने के बाद ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ये तीन लेयर बनाएगी, कौन कौन सी, ये मैच्योर है, इससे नेक्स्ट डायग्राम ये होगा। तो तीन सेल ये बनाएगी, तीन लेयर ये बनाएगी, कौन कौन सी, एंडोथीशियम आप देख सकते हैं यहाँ पे मिडिल लेयर, यहाँ पे मिडिल लेयर लिखा हुआ हमने। और फोर्थ लेयर हमारी कौन सी होगी, पोलन सैक की जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं टेप्टम। पोलन सैक की जो हमारी लेयर है उसे हम बोलते हैं टेप्टम, दिस इज द टेप्टम लेयर। और दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पोलन सैक, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्या है, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पोलन सैक, ठीक है। तो प्राइमरी पेराइटल सेल डिवाइड करके तीन लेयर बनाती है, कौन कौन सी लेयर है वो, एंडोथीशियम जिसको हम फाइबरस लेयर भी कहते हैं, सेकेंड लेयर हमारी है मिडिल लेयर जो जो कि 3-4 सेल्स थिक लेयर होती है, आफ्टर दैट
जो हमारी लास्ट लेयर है जो कि पॉलन सैक की लेयर होती है वो है टेक्टम। तो दीज थ्री लेयर्स आर फॉर्मड बाय प्राइमरी प्रेटर सेल। नाउ इनर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स डिवाइड टू टाइम्स और मोर देन टू टाइम्स बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोजेनस सेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दीज स्पोरोजेनस सेल्स अगेन डिवाइड टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर मदर सेल। एज यू कैन सी दैट दिस इज द डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर की सेल हमने यहाँ शो कर रखी है ये कौन सी सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है, मियोसिस करती है, और मियोसिस करके क्या प्रोड्यूस करती है, फोर हेप्लॉयड स्पोर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। बट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपने क्या देखा, इस पूरी प्रोसेस में आपने क्या देखा कि एंथैल्पी डेवलपमेंट हो रही है, और एंथैल्पी जो डेवलपमेंट है इस ऐसी एंथैल्पी डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, यूस्पोरेंजियस टाइप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या है इस वर्ड का, क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी जो डेवलपमेंट है वो एक से ज्यादा आपकी स्पोरल सेल से होती है। एंथैल्पी डेवलपमेंट अकर फ्रॉम मोर देन वन आर्किस्पोरल सेल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक से ज्यादा आर्किस्पोरल सेल से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। कितनी आर्किस्पोरल सेल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, फोर इन्वॉल्व हो रही है इस डायग्राम को बनाने के लिए। फोर आर्किस्पोरल सेल ने मिलकर इस एंथैल्पी डेवलपमेंट को पूरा किया है। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, यूस्पोरेंजियस टाइप ऑफ एंथैल्पी डेवलपमेंट। बट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। अब इसके आगे क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे मियोसिस करके क्या बनाती है, मियोसिस करके बनाती है पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। तो आपको जैसे पता है कि एंजियोस्पर्म्स दो तरह के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो अब उनके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार मियोसिस होती है। तो सपोज दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। Okay. इसका न्यूक्लियस है यहाँ पे, दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मियोसाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेसिव टाइप डिवीजन यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी साइमल्टेनियस टाइप। सक्सेसिव टाइप डिवीजन जो होती है वो किसमें होती है, मोनोकॉट के अंदर होती है, और ये किसके अंदर होती है, डाइकॉट के अंदर। अब इन दोनों का मतलब क्या है, सक्सेसिव टाइप में क्या होता है कि आफ्टर एवरी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस अकर, आफ्टर एवरी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस अकर। बट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस विल फॉलो, कैरियोकाइनेसिस विल अकर एंड लेटर ऑन साइटोकाइनेसिस विल फॉलो। ओके, तो आइए इसको देखते हैं कैसे होगी। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रही है, न्यूक्लियस दो में डिवाइड कर रहा है, ये न्यूक्लियस दो में डिवाइड कर रहा है, और उसके तुरंत बाद क्या हो रही है, देखिए साइटोकाइनेसिस फॉलो हो रही है, और उसके बाद अगेन ये दोनों कैरियोकाइनेसिस करेंगे, ये दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, कैरियोकाइनेसिस करेंगे लाइक दिस, और उसके तुरंत बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल बनेगा। जैसे कि हमें पता है कि जब भी मियोसिस पूरी हो जाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, तो जो आपके पोलन ग्रेन चार बनते हैं वो चारों आपस में जुड़े होते हैं, और वो चारों पोलन ग्रेन जो आपस में जुड़े होते हैं वो कैलोस प्लग कैलोस लेयर की वजह से आपस में जुड़े होते हैं, और लेटर ऑन वो आपस में वो चारों पोलन ग्रेन अलग हो जाते हैं ड्यू टू कैलस एंजाइम रिलीज बाय टेप्टम लेयर। तो ये टेप्टम लेयर का एक फंक्शन भी है कि टेप्टम लेयर क्या रिलीज करती है, कैलस एंजाइम। वो कैलस एंजाइम क्या करता है, कैलोस लेयर जो कि माइक्रोस्पोर टेट्रेड के बीच में बनता है उनको ब्रेक करता है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन जो है माइक्रोस्पोर जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो हम देख सकते हैं चारों पोलन ग्रेन आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, मोनोकॉट के अंदर ऐसे पोलन ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्रेड, माइक्रोस्पोर टेट्राहेड। तो कौन से वाला माइक्रोस्पोर टेट्राहेड होता है, आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल। अब ये डाइकोट है, अब डाइकोट के अंदर आप देखेंगे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता जाएगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस विल अकर एंड कंटिन्यूसली अकर, बट लेटर ऑन आप देखें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे लगातार हो रहा है, बट लेटर ऑन साइटोकाइनेसिस विल फॉलो, बट पहले यहाँ पे क्या चलेगी, मतलब आफ्टर एवरी कैरियोकाइनेसिस इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस विल नॉट अकर, इट विल अकर लेटर इन द लेटर स्टेज। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस पहले चल रही है, उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब जाके यहाँ पे जो है साइटोकाइनेसिस चलना शुरू हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेट्राड बनता है, यहाँ पे फोर्थ जो पोलन ग्रेन है वो इसके बैक साइड है, तो ये जो टेट्राड है इसको हम क्या बोलते हैं, इस टेट्राड को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, टेट्राड, टेट्राहेड्रल टेट्राड। तो ये जो माइक्रोस्पोर का टेट्राड है, दिस माइक्रोस्पोर टेट्राड इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल टेट्राड। तो डाइकॉट के अंदर कैसा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, टेट्राहेड्रल टेट्राड, उसकी शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल टेट्राड मोस्टली, और मोनोकॉट के अंदर मोस्टली कौन सा बनता है, आइसो बाइलेटरल। ठीक है, तो साइमल्टेनियस डायग्राम में देखा जो डाइकॉट में होती है कि आफ्टर एवरी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस विल नॉट अकर, साइटोकाइनेसिस विल अकर इन द लेटर स्टेज ऑफ डिवीजन, बट हियर आफ्टर एवरी कैरियोकाइनेसिस इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस विल अकर। ठीक है, दिस इज हाउ व्हेन मियोसिस अकर इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल it will leads to the formation of haploid, four haploid microspore tetra which are joined together due to presence of callous layer, so they are joined to each other due to presence of callous layer, this callous layer later on is broken by callus enzyme which is released by tetra. Okay, now what are the different types of tetra, so aap jaise ki aap do dekh hi chuke hain, फर्स्ट हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं कि पहला कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल, ये हम बात कर चुके हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का हम एग्जांपल आपको दे सकते हैं, टेट्राहेड्रल का एग्जांपल है नॉर्मली हम देख सकते हैं यहाँ पे कैप्सिला, और सेकंड आपका जो हमने पढ़ा मोनोपोड्स के अंदर, मोनोपोड्स के अंदर कौन सा होता है, पढ़ा किस शेप का होता है, आइसो बायलेटरल, तो आइसो बायलेटरल का एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है, मोनोकॉट है। ठीक है, मोस्टली मोनोकॉट, मोनोकॉट, बट थर्ड हमारे पास यहाँ पे है डेक्यूजेट, डेक्यूजेट, डेक्यूजेट टेट्राड के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स लाइज एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, दीज आर द माइक्रोस्पोर्स, these two upper microspores lies right angle to the two microspore cells, तो ये दो microspores हैं, इन दो microspores पे कैसी हैं, right angle है, इसका example क्या है, magnolia, such kind of microspore tetrad is called as decussate. Now fourth is your T-shaped tetrad. अगर हम T-shaped tetrad की बात करें तो T-shaped tetrad कैसे होती है? Here, T-shaped structure will form by this T-shaped tetrad. This T-shaped tetrad is shown by Aristolochia plant. Aristolochia plant is also known as Dutchman's pipe. Okay. So this is a T-shaped tetrad, and next is your linear type. It is very simple. Linear tetrad. So linear tetrad means all the cells are arranged linearly. And example is your halophylla. Halophylla is the example. Like this. 1, 2, 3, 4. उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हेलोफिया, हेलोफिया एंड हेलोफाइला, दो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हेलोफाइला। ओके,
So these are the different types of tetrad. So how many total types of tetrad is? There are total 5 types of tetrad. So now at this point, at this stage, microsporogenesis completes. So microsporogenesis is the development of the anther, in which anther wall is developed along with formation of microspore mother cell, and then this microspore mother cell undergo meiosis to produce microspore tetrad. This process is called as microsporogenesis. So please how do you like this video, and please subscribe our channel, and please hit the bell icon. Thank you very much.